Action! और अब झनक को लेकर आदित्य ऑडिशन के लिए पहुंचता है। अब उसे वो अकेले ऐसे नहीं छोड़ने वाला, उसके तो इर्द गिर्द सृष्टि जैसे लोग घूमते हैं। रेडी? जी सर। यस सर, आई एम ऑल्सो रेडी। ओ माय गॉड, आदित्य कपूर, वेलकम वेलकम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मैन। और सर कैसे हैं आप? ऑडिशन चल रहा है ना बहुत स्पीड में। अच्छा वैसे आप जो नई फिल्म के लिए फ्रेश फेस ढूंढ रहे थे, मिला आपको? हाँ, मतलब तलाश जारी है। है कोई तुम्हारे ध्यान में जो तुम्हारी हीरोइन बन सके? अपने साथ लेकर आया हूँ। और ये है झनक का नया परिचय, आदित्य की हीरोइन। पर जहाँ झनक को एक्टिंग करनी ही नहीं, वहाँ अब ये दुनिया तो एकदम अलग भी है झनक के लिए। नमस्ते सर। इनको कहीं देखा देखा सा लग रहा है। स्टार डांसर ऑफ इंडिया के फाइनलिस्ट झनक रैना। ओह राइट राइट राइट, नाउ आई रिमेम्बर। अच्छा डांस कर लेते हो आप? थैंक यू सर। अच्छा भाई, इनका ऑडिशन खत्म करने के बाद इनका ऑडिशन लू तो कहीं आप गुस्सा होकर सेट छोड़ के चले तो नहीं जाओगे? कम ऑन सर, कम ऑन, चल चल चल, आप आराम से अपना काम कीजिए, हम लोग यहाँ पर आराम से बैठते हैं, ठीक है? श्योर। दादा, सर को चाय पानी पिलाओ। आप मेरे साथ बैठो ना। नहीं नहीं, आप अपना काम आराम से कीजिए, तब तक मैं इनके साथ बैठता हूँ। श्योर। झनक प्लीज। और अब एक नई दुनिया में झनक कदम रखने जा रही है, जहाँ आदित्य उसका सारथी बनेगा। पर क्या वो ये सफर तय कर पाएगी, जिस दुनिया के बारे में वो जानती तक नहीं? पर समय उसे अपने हिसाब से ही अपने आप अपने संग ले चली है, हवा की झोंके की तरह। मैम, ये आपका स्क्रिप्ट। जी, थैंक यू। जी, क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही स्क्रिप्ट देख रहा था कि स्क्रिप्ट में क्या आया है। बाप रे बाप, तो यार ऐसे घूर के देख रही हो जैसे कि मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं आंसर शीट देख ली हो। एक मिनट, ये आदत तुम्हारे स्कूल कॉलेज टाइम से होगी ना कि सामने वाले को अपनी मोटी मोटी आंखें करके से घूर के देखो? क्यों, तुम्हारी आंसर शीट में देखे ही नहीं बेचारा? कुछ भी। कुछ भी क्या, सच में डर रहा हूँ इस वक्त में तुमसे। ठीक है भाई, अब मैं ना यहाँ पर एकदम चुप करके बैठूंगा। वैसे आज के बाद में ना मैं तुम्हारी तो क्या किसी भी स्क्रिप्ट में नहीं जाऊंगा। और अब जहाँ झनक अपना स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करती है, आदित्य जैसे हस्ती के बगल में बैठकर वहीं ऑडिशंस की ओर उसकी ध्यान जाती है कि कैसे कर रही है बाकी लड़कियाँ। चलो आलिया, टेक करे। जी। झनक, उस पर ध्यान मत दो, अपनी स्क्रिप्ट में देखो। रोल कैमरा एंड एक्शन। समर प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? क्यों? अगर तुम अपने जिद पे काबू कर पाते तो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाते। प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज। कट 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 कट। नो 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 जन, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तुम अपने स्क्रिप्ट पे ध्यान दो। और अब आदित्य नहीं चाहता जैसे सामने वाली लड़की परफॉर्म कर रही है वैसा तो झनक ना करे, उसकी काबिलियत पर शक ही नहीं आदित्य को। आलिया, तुम ना कैरेक्टर को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रही हो। रिलैक्स, डोंट बी स्केयर्ड, डरने की कोई जरूरत नहीं, आराम से सिचुएशन को समझो। हीरो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, तुम्हारे और उसके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सॉरी सर जी, गलती से। गलती तो होगी ना, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें सिर्फ आदित्य कपूर को देखती हैं। चाहकर भी तुम उसे सच नहीं बता पा रहे हो।
और अब इसी कश्मकश में डूबते चली जा रही है जनक की जिंदगी। जनक तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो, हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो हमेशा मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में किसी और के साथ हो। अरे तब से इधर उधर की बातें कर रही हो, जो बोलना है बोलो ना और खत्म करो। मुझे इसकी कोई भी बात नहीं सुननी है। जहाँ वो सच नहीं बता पा रही है अनी को जो उसे पता होना चाहिए, जरूरी है, उसका अधिकार है। सुनना पड़ेगा आपको, मुझे माफ कीजिएगा, मैं जान बूझ के किसी की फीलिंग्स को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बात ऐसी है सर जी कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या ये सच को स्वीकारेगा अनी, जो आज झनक ने सबके सामने रखा है, या ब्रिजभूषण की तरह मुंह मोड़ लेगा उस झनक से जिसे वो एक समय पर अपनी जिंदगी मानता था और उसे कभी दूर नहीं जाने के लिए बोला करता था। क्या आज ब्रिजभूषण और अनी में कोई अंतर रह जाएगा, या झनक को भी उसकी माँ की तरह गंदी नामों से याद किया जाएगा? क्या अनी झनक को उसका अधिकार देगा या शक की दुनिया में डूब जाएगा? देखना ना भूलिएगा झनक की आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स में क्या होता है, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।